थाना महांकाल के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कल रात को दो बच्चे थाने पे आए थे, उनने थाना प्रभारी को यौन शोषण का बताया था, जिस पे थाना प्रभारी महांकाल द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जिन पे जिन आचार्यों पे उनने आरोप लगाए थे उसमें एक आचार्य को हिरासत में लिया जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आश्रम में जो अन्य बच्चे हैं उनको विश्वास में लेके एक टीम बना के उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जैसा वो बच्चे बताएंगे वैसी महाकाल की नगरी में महापाप दंडी आश्रम में 19 बच्चों से कुकर्म आचार्य और सेवादार के खिलाफ FIR। आश्रम में 5वीं से 12वीं तक के 80 बच्चे हैं पीड़ित। बच्चों की उम्र 11 से 15 साल तक है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को शर्मसार कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। उज्जैन के दंडी आश्रम के आचार्य और सेवादार पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आश्रम में पढ़ने वाले 19 बच्चों ने इनके खिलाफ शिकायत की। महाकाल थाने में 30 अप्रैल को देर रात 12:30 बजे FIR दर्ज की गई। आश्रम के संचालक ने पुलिस बुलाकर आचार्य को गिरफ्तार कराया। सेवादार फरार है। आपको बता दें कि शहर के बड़नगर रोड स्थित दंडी आश्रम 30 साल पुराना है। यहां 3 किशोरों का यौन शोषण होने की जानकारी सामने आई। इस पर पेरेंट्स ने बैठक की जिसमें पीड़ित किशोरों की संख्या 3 से बढ़कर 19 हो गई। आश्रम संचालक गजानंद सरस्वती ने बताया कि क्षेत्र की नवरात्र के समय कुछ पेरेंट्स ने सेवादार अजय ठाकुर की शिकायत की थी, उसे बाहर निकाल दिया था। शिकायत करने वाले बच्चे एक के बाद एक सामने आने लगे। इसके बाद पेरेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 30 अप्रैल को सभी से आश्रम आने को कहा। 30 अप्रैल को हुई बैठक में 20 से अधिक बच्चे के पेरेंट्स आए थे। इनके बच्चों ने सेवादार अजय की शिकायत की थी। बैठक में एक एक कर बच्चों को बुलाकर अजय के बारे में जानकारी दी, लेकिन इसी दौरान एक बच्चे ने रोते हुए आचार्य राहुल शर्मा का नाम भी लिया। इसके बाद बच्चों के माता पिता और भड़क गए। राजगढ़, मंदसौर और देवास जिले के किशोरों ने पुलिस को बताया कि पिछले कई दिन से अजय ठाकुर और राहुल शर्मा उनका यौन शोषण कर रहे थे। दोनों उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे। एडिशनल SP जयंत राठौर ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया। अजय फरार है। आपको बता दें कि आश्रम में 5वीं से 12वीं तक के 80 बच्चे हैं। सभी आश्रम में रहकर संस्कृत कर्मकांड, ज्योतिष, संगीत और वेद का अध्ययन करते हैं। पीड़ित बच्चों की उम्र 11 से 15 साल तक है। बता दें आरोपी आचार्य राहुल शर्मा ने करीब 7 महीने पहले एक रेप पीड़ित की मदद की। खून से सनी 12 साल की बच्ची आधे अधूरे कपड़े में 2.5 घंटे से भटक रही थी। राहुल ने उसे खाना खिलाकर महाकाल थाने में सूचना दी। इस बच्ची का एक CCTV फुटेज भी सामने आया था जिसमें डरी सहमी 15 साल की लड़की लड़खड़ाते हुए आती दिखती। आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा है, रोते हुए मदद की गुहार लगाती है, लेकिन इसी बीच कोई मदद नहीं करता। वो करीब 3 घंटे पैदल चलकर 8 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। पीड़ित बच्ची 2 कॉलोनी के 500 से ज्यादा घरों, 2 ढाबों और 1 टोल नाके से होकर गुजरी। इस दौरान रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा तो लेकिन मदद नहीं की। आखिरकार एक व्यक्ति ने उसे पुलिस तक पहुंचाया। इस मामले में सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। जिस तरह की करतूत हुई है उनसे जाहिर तौर पर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बच्चे कहाँ सुरक्षित। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।